हाय गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी एक ऐसी फोटो की जो कि बहुत ही बेकार थी, जिससे मैंने क्लिक किया इस फोटो को। मैंने सोचा था कि इसको मैं एडिट भी करूंगा, एंड ये फोटो मतलब रैंडमली हमने क्लिक कर ली थी, बट एडिट करके ये फोटो बहुत ही कमाल की बन गई थी एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो इस फोटो को मैंने कैसे एडिट किया एंड इसमें यह डार्क मूडी टोन मैंने कैसे डाली, ये सारा कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, आपने बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप लोकेशन बता देंगे कि आपकी फोटो कहाँ पे क्लिक होती है। तो ये वाली पर्टिकुलर फोटो हमने क्लिक की थी रॉक गार्डन में, रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है, वहाँ पे ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं एंड ये बहुत एक पतला सा रास्ता था जहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे एंड यहाँ मतलब बहुत बिजी रास्ता रहता है ये, लेकिन फिर भी हमने इस रास्ते पर अपनी फोटो क्लिक किया एंड वहाँ पे पीछे से कोई भी नहीं आया तो हमें खाली फ्रेम मिल गया था। बट यहाँ पे लाइटिंग्स बहुत ही बेकार थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बस ऊपर से हल्की सी धूप आ रही थी, तो उस वजह से हल्की सी बस ऊपर से लाइट आ रही थी, लेकिन फोटो बहुत ज़्यादा फीकी आई एंड बैकलाइट की वजह से फोटो बहुत ज़्यादा वॉश आउट हो गई। अब इसको क्लिक करते टाइम मैंने सोचा था कि इसको मैं एडिट भी करूँगा क्योंकि फोटो बहुत ज्यादा बेकार एंड बहुत ज्यादा डर लग रही थी, बट फिर मैंने कुछ इसको एडिट करके देखा तो फोटो बहुत ही कमाल की बनी। एंड सच बताऊं तो ये फोटो मेरे को नॉर्मल सी लगी, मतलब कोई खास नहीं लगी, बट आप लोगों के कमेंट्स इंस्टाग्राम पे बता रहे थे कि आपको ये फोटो बहुत ज्यादा पसंद आई एंड इसे बहुत ज्यादा लाइक्स वाइक्स आए बहुत जल्दी। तो इसलिए आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे अपनी किसी भी बेकार सी फोटो को, जिसमें कि लाइटिंग्स बहुत ज्यादा खराब हो, जिसमें कलर्स बहुत ज्यादा डल हो, उसको आप कैसे एडिट कर सकते हो एंड एडिट करके इतना परफेक्ट कैसे बना सकते हो। तो चलिए अपना एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटो को लेकर चलते हैं लाइट रूम मोबाइल के अंदर एंड वहां पे करते हैं इसकी एडिटिंग। ओके, सो हियर वी आर इन लाइट रूम एंड यहां पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलेंगे लाइट्स के अंदर एंड ये फोटो आप देखिए बहुत ज्यादा फीकी लग रही है, मतलब पता नहीं क्या हो गया इस फोटो में, एक साइड से बहुत ज्यादा जो लाइट थी वो ज्यादा लग रही है एंड आई गेस ये इसलिए क्योंकि पीछे से बैक लाइट आ रही थी, मतलब ऊपर से धूप आ रही थी एंड वो लेंस कैप हमारे पास नहीं थी तो इसलिए वो रिफ्लेक्ट हो रही है लेंस के अंदर एंड पूरी फोटो बिल्कुल फीकी सी आ रही है, कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल खत्म है। तो अभी हम पहले इसको सही करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ से लाइट के अंदर एंड सबसे पहले इसका ब्लैक्स में कम करूँगा। सो देखिए ये वापस आ रहा है, लेकिन इसे होकर आना कि फोटो हमारी बहुत ज़्यादा डार्क हो रही है, बट अभी के लिए इसको ऐसे रखते हैं। इसके बाद शेडो को थोड़ा बढ़ाते हैं एंड हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम एंड अब जो नीचे वाले पार्ट है ये हमारे ऐसे रिकवर नहीं होंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्टिव टूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं एंड यहाँ से मैं एक ग्रेडियंट लेता हूँ। ओके, एंड इसका हम क्या करेंगे, ब्लैक्स कम करेंगे एंड सेम ग्रेडियंट में यहाँ से एक और लेता हूँ, इसका भी हम ब्लैक्स कम कर लेंगे एंड इनका हम क्लैरिटी भी बढ़ा सकते हैं, तो मैं इसकी क्लैरिटी भी बढ़ा देता हूँ और इस वाले ग्रेडियंट की मैं क्रेडिट बढ़ा दूँ। फिर हम एक और नीचे की साइड से भी डालते हैं ग्रेडियंट, इस बार मैं सर्कल बनाता हूँ एक। ओके, एंड इसका मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता हूँ एंड इसकी मैं क्लैरिटी भी बढ़ा देता हूँ। सो डन, एंड अब देखिए फोटो में हमने रिकवर कर लिया हमारी डिटेल्स, जो हमारी फोटो बहुत ज़्यादा वॉश आउट लग रही थी वो अब थोड़ी कहीं ना कहीं सही लग रही है, मतलब एक हद तक। यहाँ चलते हैं दोबारा से एंड इसका मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम करूँगा। इस वाले ऑप्शन में जाकर ना मैं पूरी ओवरऑल फोटो को एक बार क्लैरिटी बढ़ा देता हूँ एंड अगर आपकी फोटो बहुत ज़्यादा फीकी आपको लगे तो आप डीहेज टूल का यूज़ कर सकते हो, जैसे ये वाला टूल है जो इससे पूरी फोटो आपकी डार्क हो जाती है, तो इसको भी हम थोड़ा सा रखेंगे। एंड देखिए फोटो में हमारी डिटेल्स पूरी वापस आ चुकी है। तो अगर आपकी कोई फोटो हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन वो थोड़ी सी डल है, फीकी टोन में आ रखी है, तो उसको आप डिलीट मत कर देना, उसको आप ऐसे रिकवर कर सकते हो। तो आगे की एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कलर्स के अंदर, मैं इसकी वाइब्रेंस थोड़ा बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर में थोड़ा सा माइनस करूंगा इसका। ओके, एंड अब चलते हैं ऊपर कलर मिक्सर के अंदर। इस फोटो में जो भी आपको येलो कलर दिख रहा है ना वो मेरे को सही नहीं लग रहा, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा येलो को मैं बिल्कुल डार्क कर लूँगा। तो देखिए पूरी फोटो मस्त एक ब्लैक टोन में हो जाएगी, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा डार्क डार्क सब कुछ, और ये टोन बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे हल्का हल्का आपको ग्रीन दिख रहा होगा, इसको भी हम बंद कर लेते हैं, ग्रीन का सैचुरेशन बिल्कुल कम। सो देखिए पूरी फोटो में क्या मस्त टोन आ चुकी है, हालांकि मेरी स्किन पर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ पर येलो को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि स्किन का जो कलर है वो वापस आ जाए एंड इसका ह्यू हम थोड़ा सा माइनस साइड रखते हैं। सो डन, यहाँ पे देखिए फोटो में मस्त डार्क टोन हमारी आ चुकी है। इसके अलावा हमारा जो ये स्किन का कलर है इसका हम लुमिनेंस बढ़ा दें ताकि स्किन हमारी थोड़ी सी ब्राइट हो जाए एंड इस डार्क एनवायरनमेंट में हमारी स्किन थोड़ी सी चमक जाए। सो ग्रेट, डन। एंड अब पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं जो यहाँ पे आ रहा है, तो इसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ से सेलेक्टिव टूल के अंदर और एक सर्कल में यहाँ पर ड्रॉ करूँगा रफ, तो यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ से इसका ब्लैक्स थोड़ा कम करते हैं एंड डन। तो देखिए पूरी फोटो अब सही लग रही है। अब देखिए हमें यहाँ पे मेन चीज़ क्या करनी है, इस फोटो में कलर टोन डालनी है एंड वो आपको कैसे डालनी है बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट चलते हैं हम यहाँ से इस वाले ऑप्शन के अंदर एंड यहाँ पे देखिए कलर ग्रेडिंग ऊपर ही है, तो आपको जब आपने पूरी फोटो को डीसेचुरेट कर दिया ना उसके बाद आप अपनी फोटो में कोई भी कलर टोन डाल सकते हो। मेनली अगर आप अपनी शेडोज़ को छेड़ो तो आपकी शेडोज़ में बहुत मस्त एक कलर टोन आ सकती है। तो हम शेडो में यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड ये देखिए इसका हम पहले सैचुरेशन बढ़ाएंगे एंड फिर देखते हैं इसका कलर। सो देखिए ये टोन बहुत अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन इसका सैचुरेशन ज़्यादा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा रखेंगे इतना
एंड सी कितनी मस्त हमारी फोटो में ब्लू टोन आ चुकी है, मतलब जो भी पत्थर थे वो मस्त ब्लू लग रहे हैं एंड बहुत सही लग रहे हैं। इसके अलावा चलते हैं हाईलाइट्स में, इसका भी सैचुरेशन बढ़ाते हैं एंड इसके लिए कलर देखते हैं। आई गेस इसके लिए ये रेड या फिर ऑरेंज कलर सही रहेगा, हमारी स्किन में कलर आ रहा है तो ये सही है एंड डन। इसके अलावा मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, पूरी फोटो में क्या ही गजब की टोन आ चुकी है। एंड लिटरली बताऊँ तो मैंने इस फोटो को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी आसान तरीके से ऐसी मस्त ये एडिट हो जाएगी। आप देखिए बिफोर आफ्टर। हाँ, इसमें एक चीज़ और थी, इसमें हमने विनेट ऐड किया था थोड़ा, तो यहाँ पे हम जाएंगे विनेट को थोड़ा सा कम करेंगे एंड इसकी राउंडनेस को हम थोड़ा सा कम करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ की इस फोटो में लाइट मैंने ऊपर से बनाई थी, तो वो मैंने कैसे बनाई थी, सिंपली यहाँ पे चलते हैं एंड एक लेते हैं यहाँ से सर्कल ऐसे। देखिए मैं चाह रहा हूँ यहाँ से ऐसी लाइट आए ऊपर से, इन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों की एक्सपोजर कम कर लेंगे। सो देखिए बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ऊपर से कहीं से लाइट आ रही है एंड मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऊपर की साइड से लाइट आ रही है। एंड इस फोटो में बहुत सारे कमेंट्स आए कि ये बिल्कुल लूसीफर के हेल जैसा लग रहा है। तो मैंने लूसीफर मूवी वैसे देखी नहीं है, लेकिन ये वाला सीन मैंने देखा है, मतलब स्क्रीनशॉट मैंने कहीं पे थंबनेल में या फिर पोस्टर में देखा है, लूसीफर मूवी में ऐसा ही कुछ होता है वहाँ पे। तो मुझे पर्सनली ये टोन एंड मतलब ये जो ओवरऑल फील है इस फोटो की, ये बहुत पसंद आई एंड ये सारा क्रेडिट इस जगह को जाता है, क्योंकि ये जगह ही बहुत अच्छी है। एंड यहाँ पे देखिए बहुत मस्त यहाँ पे मतलब ये फ्रेमिंग बन रही है इन पत्थरों के बीच में, बस यहाँ पे क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे लोग बहुत सारे आते जाते रहते हैं इस रस्ते में एंड यहाँ पे लाइटिंग्स कंडीशन बहुत बेकार रहती है। फिर भी मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी फोटो क्लिक कर ली थी एंड फोटो हमारी काफ़ी अच्छी बन गई थी। एंड इसमें एक और चीज़ हम फाइनली कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं कर्व के अंदर एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले वाइट कर्व को छेड़ते हैं थोड़ा सा। तो मुझे इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा सा यहाँ से अप करूँगा एंड यहाँ से डाउन एंड देखिए फोटो हमारी थोड़ी सी फ्लैट सी लग रही है एंड जो कि सही लग रही है। इसके बाद चलते हैं रेड टोन में एंड रेड का बेसिकली क्या फंड है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा अप कर दोगे यहाँ से हाईलाइट्स में तो हमारा रेड आ जाएगा एंड शेडोज़ में हमारा ग्रीन आ जाएगा। सो देखिए ये मस्त रेड एंड ग्रीन टोन यहाँ से आ जाएगी। तो अगर आपको इस टाइप की टोन पसंद हो अपनी फोटो में तो आप यहाँ से ये रेड एंड ग्रीन टोन डाल सकते हैं हाईलाइट्स के लिए, ये शेडोज़ के लिए ग्रीन कलर एंड हाईलाइट्स के लिए आप ये रेड कलर को बढ़ा सकते हैं। सो आई गेस ये वाली टोन काफ़ी अच्छी लग रही है, इसको डन करते हैं एंड आई थिंक ओवरऑल फोटो हमारी यहाँ पे काफ़ी अच्छी एडिट हो चुकी है। अभी एक्जैक्ट वैसे नहीं है जो मैंने इंस्टा पे पोस्ट की थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम से एक फिल्टर भी इसमें अप्लाई किया था। इंस्टाग्राम पे जब फोटो अपलोड करते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई जूनो नाम का फिल्टर था वो मैंने वहाँ पे लगाया था, तो उससे फोटो में क्या होता है सेंटर में थोड़ा सा फेड आया था, तो इस फोटो के सेंटर में बहुत फेड वेड आ रहा था उसमें। फिलहाल ये फोटो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बन चुकी है एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फोटो इतनी आसान तरीके से इतनी मस्त एडिट हो जाएगी। आपको ये फोटो कैसे लग रही कमेंट करके जरूर से बताना एंड अगर आप कभी चंडीगढ़ आओ एंड आप रॉक गार्डन घूमने जाओ तो वहाँ पे आप इस टाइप की फोटो अपनी जरूर से क्लिक करना, या फिर ऐसे पत्थरों के बीच में कभी आप फोटो क्लिक करो तो फोटो आपकी काफी अच्छी आ सकती है। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी और आपको काफी कुछ नया इसमें सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो एंड आपको ये फोटो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसी कमाल की वीडियोस में डालते रहता हूं। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।